नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके हमारे इस YouTube चैनल पे। आज जो प्रॉपर्टी हम लेकर आए हैं वो 68 गज में बना हुआ 2 BHK का हाउस है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, और 43 इसकी डिमांड है, तो बेहतरीन फुली फर्निश्ड रेडी हो गया है। नेगोशिएबल प्राइस है इसमें, हमने फर्निश्ड के पूरे प्राइस जोड़े हुए हैं क्योंकि हम इसमें सोफा, बेड, चिमनी, गीजर, RO, फैन सब कुछ दे रहे हैं। तो यदि आप इसको नहीं लेते हैं तो इसका प्राइस कम हो जाएगा, और बैठ के बात करेंगे तो इसका प्राइस और कम हो जाएगा। बाकी जो ये हाउस है ये बना हुआ नियर ISBT के क्लोज में, संस्कृति लोक कॉलोनी, उसके अंदर बना हुआ, आसपास भी आपको हिंदू गढ़वाले लोग ही मिलेंगे। तो बढ़िया रेडी प्रॉपर्टी ये हो चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं इस हाउस की पूरी वीडियो। तो दोस्तों, जो ये हाउस है हम इसी की बात कर रहे थे, 68 गज में कंप्लीट 2 BHK का ये बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसके बाहर पूरी 18.5 फीट की एक रोड हमने पक्की बना रखी है, तो गाड़ी वगैरह पार्किंग के लिए आपको इश्यू नहीं आने की, आपके घर के आगे आप इजिली अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके जो बगल वाला मकान है इसकी भी हमने वीडियो रिसेंटली डाली है, वो 44 लाख की प्रॉपर्टी है, वो 70 गज में बनी हुई है। एंड ये 43 लाख की प्रॉपर्टी है, एंड ये बनी हुई है पूरी की पूरी 68 गज में। मैं आपको बता दूं, जो इस घर का फ्रंट है, स्टैंडर्ड फ्रंट है 20.5, तो बेहतर करके ये रेडी हो रहा है। फ्रंट इसका 20.5 है, और जो डेप्थ है वो है इसकी 30, तो 68 गज में ही कंप्लीट बना हुआ है। चाहे तो आप गाड़ी अपनी यहाँ पर पार्क कर लें, चाहे आप गाड़ी, इतनी बड़ी रोड है ही, आप कर सकते हैं इजिली पार्क। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी पार्किंग। जो इसकी पार्किंग है वो हमने निकाल रखी है बाइक के या 2-व्हीलर के अकॉर्डिंग, आप इसमें अपनी बाइक या 2-व्हीलर अच्छे से पार्क कर सकते हैं। अंदर आएंगे आप तो मैं आपको बता दूं ड्रेनेज का सिस्टम क्या है। ड्रेनेज जो है हमने 2 दे रखे हैं, ये हैं, ये हैं, आप 2 चैम्बर देख सकते हैं, एक में आपको वॉशरूम का ड्रेनेज है और एक में आपका किचन वगैरह का ड्रेनेज है, तो दिक्कत नहीं आएगी। काफी ज्यादा हमने काफी गहरा ये खोद रखा, 10 साल तक ये नहीं भरने का। और जो ये है, ये 155 फीट पे हमने समरसीबल का गड्ढा खोद रखा है, हमने स्टेयर केस के नीचे का एक तरीके से स्पेस आपके लिए यूज कर रखा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, आप अपना शू रैक्स या अपने घर का कोई ऐसा सामान कुछ भी रख सकते हैं स्टोर के लिए। और ये हमने एक एक्स्ट्रा वॉशरूम दे रखा है, यहाँ पे हमने इंडियन सीट लगाई, आप इंग्लिश सीट लगा सकते हैं, हैंड वॉश के लिए हमने बना रखा है। यहाँ पे आपका पर्सनल मीटर लगे। तो ये इसका मेन बैठक है, आप देख लीजिए, इसमें हमने विंडो दे रखा है, समथिंग 6x4 का ये विंडो है, और जो ये बैठक है ये 16x10 का बैठक है, यानी 10x16 का बैठक है। काफी बड़ा टीवी पैनल हमने लगा रखा है, इसमें आप टीवी लगा दीजिएगा, ऊपर आप दिखा दीजिए, काफी प्यारी फॉल सीलिंग हमने कर रखी है, और इसमें झूमर भी हमने लगा रखा है। अभी इसमें काम रह रखा है, आप देख सकते हैं, इसमें हमने पेंट कर दिया है वॉलपेपर, अभी इसमें लगना है, यहाँ पर 9 सीटर लगना है अभी, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा बहुत काम रह रखा है, जैसे कि इसकी फॉल सीलिंग देख लीजिए आप, इसका आपको एक लुक दिखेगा 3D वाला, वो सेम 3D लुक अभी हम यहाँ पर भी देंगे। ये है इसका एक मॉडुलर किचन, और स्पेशियस है ये, समथिंग 6x6 का है, लेकिन स्मॉल फैमिली के अकॉर्डिंग ये ठीक है। मैं आपको बता दूँ कि इसमें हमने ये मॉडर्न लगा रखी है सब चीजें, और आज ये यहाँ पर हमने ये चिमनी भी अटैच कर रखी है, और साथ में आपको RO भी मिलेगा, तो आपने सिर्फ और सिर्फ गैस लाना है और इसमें खाना बनाना है। ये हमने मॉडुलर इसमें सिंक वगैरह और ये सब लगा के दे रखे हैं, आपको ऊपर देख सकते हैं कि एलिगेंट लाइट है, प्यारी है। हम विंडो इसलिए दे रखी है घर में आपका धुआं ना रुके, आपके किचन में कोई धुआं ना रुके, कभी वैसे पकवान बन जाते हैं जिससे धुआं ज्यादा हो जाए तो वो कुछ नहीं होगा इस घर में, अच्छा है। और बाकी बाहर की एक्सेस भी दिखती रहेगी, कौन है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है। साथ में हमने अगर आप किचन विचन साफ करेंगे तो ये हमने बाहर के लिए ड्रेनेज पे इसी में से यहीं से बना रखा है, और बाकी उसके नीचे तो आई सिंक के नीचे, तो ये प्लस पॉइंट है, अगर सफाई करते हो तो बेहतर है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो एक रूम आपको दिखेगा, देखिए ये रूम जो है तो इसका साइज बता देते हैं, 10x14 का ये है, ठीक है। इसमें हमने एक तो वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ पर दे रखी है, और काफी ऊंची इसमें हमने वेंटिलेशन दे रखी है, ताकि यहाँ पर आपके जो है ना सनलाइट आती रहे। अभी यहाँ पर हमने इस वॉल को हाईलाइट करना है, वॉलपेपर लगा करके अभी काम रह रखा है। ऊपर फॉल सीलिंग देखिए आप, ब्यूटीफुल हो चुकी है, लाइट वगैरह फैंसी लग चुकी है, एंड टाइल भी ऑलमोस्ट सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं लगा हुआ है, शार्ट वगैरह लगे हुए हैं, वॉश बेसिन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके बाद
दिया हुआ है और आप उसको यूज भी कर सकते हैं। आ जाइए दिखा दीजिए, यहाँ से प्रॉपर सनलाइट आ रही है, ऊपर फाइबर शीट लगा दी जाती है ताकि बारिश वगैरह ना आए। और जो है बढ़िया है, हाउस आप इसे बुक कर सकते हैं यदि आपका बजट कम है। तो पूरा हाउस हमने आपको विजिट करवा दिया है, 43 की आस्किंग प्राइस है विद फर्नीचर एंड 68 गज में ही बना हुआ है। आपको इस हाउस में अगर विजिट करना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।